अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे वी विल डिस्कस नंबर सिस्टम अकॉर्डिंग टू पीपीएससी और पीएमएस सिलेबस। दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस नंबर सिस्टम, डिफरेंट नंबर सिस्टम लाइक डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर्स, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए, नंबर सिस्टम क्या है, टेक्निक है टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विद नंबर्स। सिंपली कि नंबर को रिप्रेजेंट करने की जो टेक्निक है वो नंबर सिस्टम है। आपने डेली की लाइफ में बहुत सारे जो है आप नंबर्स देखते हैं, कुछ वैल्यू को रिप्रेजेंट जो कर रहे होते हैं, लाइक अपन मनी है तो वो भी हम नंबर्स में काउंट करते हैं। इसी तरह जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है वो भी जो चीज़ सेव करती है वो इन फॉर्म ऑफ नंबर करती है, या जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो वर्क कर रहा है वो भी हर डिजिट, हर वैल्यू जो इनपुट हम देते हैं वो एज अ नंबर सेव होती है। तो इस तरह से जो है वो नंबर सिस्टम वर्क करता है। सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हैज अ बेस 10। इसकी जो बेस है वो 10 है, यानी कि इसके अंदर 10 डिजिट्स हैं फ्रॉम 0 to 9। तो मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जो नंबर सिस्टम या जो काउंटिंग हम इस्तेमाल करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम पे मुश्तमिल है। 0 to 9 डिजिट से ही आप देखें सारे जो है वैल्यूज़ बनती हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि इसमें हर वैल्यू की पोजिशन चेंज होने से उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर हैं, 127, 174 and 753। इन तीनों डिजिट्स में जो है वो 7 कॉमन है, बट ड्यू टू प्लेस, डिफरेंट प्लेस ऑफ डिजिट 7, उसकी वैल्यू देखें डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन 753 में वैल्यू जो 7 की है वो है 700, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 174 में देखें 7 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू है 70 और 710। इसी तरह इन 127 में जो 7 की वैल्यू है वो है यूनिट्स, ओनली 7। तो इस तरह द वेटेज ऑफ ईच पोजिशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फेलोज, यानी कि उसकी बेस वैल्यू 10 से जो है अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते जाएं तो उसकी जो है आपके पास पोजिशनल वैल्यू आ जाती है। तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जो है हम पावर असाइन करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से जो है वो इनको मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यूज निकालते हैं। जिसकी पावर 0 होती है, लाइक 10 to 0 है, इट मीन्स वो 1 के इक्वल होता है इन मैथमेटिक्स। सभी क्वेश्चन ये है कि हम नंबर सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं। इन डिजिटल सिस्टम इंस्ट्रक्शंस आर गिवन थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी कि हमारे जो कंप्यूटर है वो इंस्ट्रक्शंस को एज अ सिग्नल्स है वो मूव करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। तो वेरिएशन सिग्नल्स में जो होती है ना, वो वेरिएशन जो सिग्नल्स की वोल्टेज में सिग्नल्स यानी फ़र्क होता है, यानी वेरिएशन इज डन बाय वेरिंग द वोल्टेज ऑफ द सिग्नल। Having 10 different voltage to implement decimal number system in digital equipment is difficult. तो अगर हम 10 numbers को इन इस voltage को represent करने लग जाएंगे तो ये बहुत मुश्किल है। तो यही drawbacks है decimal। वैसे तो decimal number system जो है वो common है, most use हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, तो हम इसे computer में क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तो ये इसकी reason है कि 10 different value को voltage represent करने के लिए इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमने जो फिर करते हैं जो इस्तेमाल सिस्टम, वो है बाइनरी सिस्टम। द ईजीएस्ट वे टू वेरी इंस्ट्रक्शन थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल इज टू स्टेट, ऑन एंड ऑफ, यानी कि ये 0 या 1, यानी कि बाइनरी सिस्टम। ऑन इज रिप्रेजेंट एज 1, यानी कि ऑन जब भी सिग्नल होगा, यानी जब सिग्नल हाई वैल्यू का है तो 1, एंड 0 इज नॉट, एक्चुअली 0 जो है वो नॉट को नहीं बल्कि लोअर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम हैविंग जस्ट 2 डिजिट 0 and 1, और इसमें हम एक सिंगल डिजिट को बिट कहते हैं, ठीक है। लाइक 0 एक बिट है, 1 एक बिट है। हमारे पास जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ये भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम होता है, वेयर ईच डिजिट हैज अ वैल्यू एक्सप्रेस इन पावर ऑफ 2 एज डिस्प्लेड हियर। यहाँ पे देखें, इसी तरह इसको भी जो है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है इन बेस 2, यानी कि उसकी पोजिशन। मैंने आपको बताया कि पोजिशनल वैल्यू सिस्टम से क्या मुराद है, ठीक है। तो सेकेंड इसमें जो चीज़ वो है कि इसमें जो बिट्स होती हैं उसमें जो राइट मोस्ट बिट होगी उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, और जो कि एंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो होता है ना वो आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है।
अगर अब आपने बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, लाइक ये आपके पास बाइनरी है, इसको हमने देखना है कि एक्चुअली, क्योंकि हम डेसिमल में इसलिए हम कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमें जो है अंडरस्टैंडिंग वो डेसिमल की है। लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि 26 रुपीज़, अगर उसको मैं कहूँ 1101 रुपीज़, आप इसको समझेंगे कोई 1 लाख कुछ इस तरह से, तो इसको हम डेसिमल, क्यों, ये तो बाइनरी सिस्टम है, ये तो किसी और हिसाब से चल रहा है ना, तो हम तो डेसिमल को अंडरस्टैंड करते हैं। इसलिए किसी भी जो सिस्टम है उसको डेसिमल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सम लेते हैं ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच डिजिट उसकी पोजीशन के हिसाब से। लाइक देखें, 0 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू 0, फिर 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया उसकी जो पावर 1, फिर 2 की पावर 2 और 0 से मल्टीप्लाई, इस तरह पावर जो इंक्रीज करते जाएंगे और उनका सम ले लेंगे, ठीक है। लाइक 2 to the raise of 4, 16 मल्टीप्लाई पर 1 भी 16, फिर 2 की पावर 3 है जो उसके, तो वो 8 हो गया। इस तरह से 0 तो 0 ही होगा, जहाँ इसकी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो वो 0, और देन इनको ऐड किया तो 26। अब इसकी हमने बेस जो है ना वो 10 रखी है, क्योंकि ये डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मीन 8 डिजिट, 0 to 7। देखिए जो भी नंबर्स हैं वो 0 से 1 काम तक करते हैं, लाइक डेसिमल है ना वो 10 डिजिट को कर रहे हैं तो वो 0 to 9, बाइनरी है वो 2 को कर रहा है तो वो 0 to 1, सिमिलरली ऑक्टल है तो वो 0 to 7। ऑक्टल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम where each digit has its value expressed in power of 8। बहुत सिंपल है, सिर्फ ये बात है कि इसमें सिर्फ 0 to 7 सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक 7 to 6 जो है वो 8 इसके बेस ऑक्टल नंबर है, इसको अगर हमें डेसिमल में करना है तो सिंपली हम उसकी बेस के साथ उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और एंड में प्रोडक्ट लेंगे और सम लेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच डिजिट। ये ही एक कुलिया है किसी भी नंबर को उसके साथ जो है वो कन्वर्ट करने का डेसिमल में। तो इस तरह से ये नंबर जो है आपके पास 470 इन जो है वो डेसिमल में आ जाएगा। फोर आपके पास जो नंबर है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज 16 सैम्पल्स, मतलब कि ये 16 डिजिट को कर रहा है 0 to 15। बट इसमें अब ये है कि 0 to 9 तो हम डिजिट यूज करते हैं, बट उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 and 15 के लिए हम A to F जो है वो अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें, ये आप देख भी सकते हैं कि A जो है वो कैपिटल A 10 को रिप्रेजेंट करता है, B 11, C 12, D 13, E 14 and F 15। पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, सारे नंबर सिस्टम पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, ठीक है। मैं फिर बता दूँ पोजिशनल वैल्यू सिस्टम कि जो उसकी जो प्लेस है उसकी, उससे फ़र्क पड़ता है ओवरऑल डिजिट पे। अब 27 FB है यहाँ पे। अब देखिए 27 F आपने देखा पीछे जो है वो F किसको रिप्रेजेंट करता है, 15 को, एंड B रिप्रेजेंट करता है 11 को, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 के साथ। यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करेगा तो वो अल्फ़ाबेट करेगा, बट जब आप इसको कन्वर्जन कर रहे हैं हम डेसिमल में, तो हमने उसको जो है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू होंगे, आप B को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 16 के साथ, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसकी आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आई थिंक ये 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था वो नंबर सिस्टम था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।